हेलो माय फूड लवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक लाजवाब रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही क्विक और सिंपल होने वाली है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये सबको पसंद आएगी और खास करके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो हम बनाने वाले हैं चीज़ी ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स की रेसिपी तो बहुत ज़्यादा ईजी है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत ऑयली हो जाते हैं क्योंकि ब्रेड सारा ऑयल सोख लेता है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आपके ब्रेड रोल्स बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे बाहर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेड रोल्स की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने एकदम बारीक नहीं काटा है, थोड़ा मीडियम साइज का ही है जिससे कि इसमें एक अच्छी क्रंच आ जाए। फिर इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर, साथ में आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे सिलेंड्रिकल शेप की। तो सबसे पहले थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे। इसे हम फ्लैट कर लेंगे अच्छे से और फिर इसमें जाएगा चीज़। एक चीज़ क्यूब आता है, उसके मैंने चार पीसेस किए हैं। आप चाहे तो दो पीस भी कर सकते हो, जितना चीज़ी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हो। और चाहे तो आप सिर्फ इस आलू मसाले का ब्रेड रोल भी बना सकते हो। टिक्कियों को शेप करते वक्त ये टिक्कियाँ ब्रेड के अंदर फिट आएंगे कि नहीं ये हमें चेक कर लेना है। अगर हमारी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई तो जब हम ब्रेड रोल को शेप करेंगे तब हमारा ब्रेड फटने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर छोटी छोटी बनाएंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे ही आप पहली वाली टिक्की शेप करोगे तभी आप उसे मेजर कर लेना ब्रेड के साथ। चलिए अभी बनाते हैं ब्रेड रोल। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, ये नॉर्मल साइज की ब्रेड है। इसे बस हमें एक बार पानी में डिप कर लेना है और इसका सारा पानी हमें निचोड़ निचोड़ के निकाल देना है। जितना हो सके उतना पानी हमें इसमें से निकाल लेना है। जितना ज्यादा मॉइस्चर इसके अंदर रहेगा उतने ही कम क्रिस्पी बनेंगे हमारे ब्रेड रोल्स। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का जितना हो सके उतना पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें जाएगी एक टिक्की। अब इसे हम बंद कर देंगे और अच्छे से सील कर लेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेड थोड़ा गीला है तो इसे शेप करना बहुत इजी हो जाता है। इसकी जो साइड्स है वो मैंने निकाली नहीं है, आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हो, पर इससे जो क्रिस्पीनेस आता है और जो टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे हमारे सारे ब्रेड रोल भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे तुरंत फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ब्रेड में जो बचा कुचा मॉइस्चर बचा है वो भी सारा ड्राई आउट हो जाए और हमारे ब्रेड रोल एकदम क्रिस्पी बने। इन्हें अच्छे से रेस्ट करने के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल होना चाहिए एकदम गरम और हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपके ब्रेड सारा का सारा तेल सोख लेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये एक साइड से जल भी सकते हैं। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है क्योंकि हमारा मसाला तो ऑलरेडी कुक्ड है। तो हमारे ब्रेड रोल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप पुदीने की चटनी के साथ या फिर टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। पर्सनली मुझे टमेटो केचप के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं।
इसे अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर जो चीज़ आएगा वो इतना ज़्यादा एपेटाइजिंग लगता है। आप इसे स्टार्टर में बना सकते हो या फिर एज अ स्नैक बना सकते हो। छोटे बड़े सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।